ओके सो अक्षय, लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर एचआर फॉर इरकॉन एंड वी स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर लेटिंग मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय कुमार। आई एम फ्रॉम पटना बिहार। आई डिड माई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीटेक आई ज्वाइन आरबीपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग वर्क एज अ साइट इंजीनियर। वाइल वर्किंग फॉर फ्यू ईयर आई हैव ऑल्सो गिवन गेट एग्जाम एंड थ्रू गेट आई चूज एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर्मली नोन एज निफ्ट। वाइल वर्किंग देयर आई ऑल्सो डन ए प्रोजेक्ट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ऑफ हरमू रिवर थ्रू फाइटरॉय टेक्नोलॉजी। दिस वॉज ऑन माई बीटेक एमटेक प्रोजेक्ट सर। एंड माई बीटेक प्रोजेक्ट वॉज कंपेरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड ब्यूटामिन एंड मॉडिफाइड ब्यूटामिन यूजिंग रबर एज वेस्ट। एंड आई ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज इंटर्न in Ranchi Smart City Corporation Limited for 6 months. That's all, sir. This is my introduction, Okay. sir. So, Akshay, you have done masters in? Environmental engineering, sir. तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की मास्टर्स आपको कैसे हेल्प करेगी इस कंपनी में, रिकॉन में? Sir, as we know that today circumstances, like अगर मतलब हर जगह मतलब सर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी काम होता है जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके लिए भी सर हर इन्वायरमेंट में भी एक्ट है। हमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, क्लियरेंस चाहिए रहता है सर। तो ये इसलिए प्रोजेक्ट इनिशिएशन में कि हाउ मच योर प्रोजेक्ट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड आफ्टर दैट वाइल वर्किंग वाइल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग यू हैव टू take some important factor in that like there is a act called construction and demolition waste management 2016 and through which how to manage your construction waste. While if you in construction sir, if we do in construction, agar maan lijiye construction hota hai sir, to usme lots of waste product like demolition hota hai to usme sir waste agar matlab कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उससे हमारा कहीं सॉइल इफेक्ट तो नहीं है, वाटर इफेक्ट तो नहीं है, ये सब एक रिपोर्ट के तरह हमको बनाना पड़ती है सर। इससे हम मैम मतलब इससे हम मतलब रोल है सर अगर एनवायरमेंट का अगर देखे तो। अच्छा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये कौन सी लॉ के अंडर आता है इंडिया में? सर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज सर, बट आई लाइक सर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है सर 1986 सर, वो हो गया सर, एक वो एक्ट है और एक सर वैसे बहुत सारा एक्ट है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एक्ट हो गया 1974, ये सब मतलब इन सब के तहत ये होगा सर मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर फॉर एनी कंस्ट्रक्शन और एनी प्रोजेक्ट, विदाउट दिस we can't get clearance from government या other local authority. ओके अक्षय, आपने जॉब कितने साल से कर रहे हैं? सर मैं जॉब सर 2 ईयर का मेरा था सर एक्सपीरियंस अच्छा, एज अभी अ छोड़ साइट चुके हैं? इंजीनियर। यस सर, उसके बाद मैंने एमटेक किया। एमटेक मेरा सर अभी नवंबर में कंप्लीट हुआ है। उसके एंड बाद व्हाट आर से यू सर डूइंग वही आफ्टर एमटेक? एमटेक सर सर आफ्टर एमटेक सर आई एम गोइंग फॉर प्रिपरेशन फॉर PSU सर। सो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक सेक्टर्स? सर पब्लिक सेक्टर सर वी गॉट अ लार्ज अपॉर्चुनिटी हेयर एंड द वर्क कल्चर एंड सर यहाँ सर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट होता है, मतलब उसको कैसे हैंडल करना है, एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे सर इरकॉन है तो इरकॉन सर नॉट ओनली वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बट इज ऑल्सो सेम पाथ इज डेवलपिंग हाईवे ऑल्सो एंड एंड कंट्रीब्यूशन ऑन रेलवे ऑल्सो। सर इसीलिए इरकॉन में सर वाइड वेराइटी है सर कि आप वर्क कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल और एक सर वहां पे जो टीम वर्क एक पीएसयू का होता है वो मतलब बेस्ट होता है एक तरह से मेरे
मतलब मायने से। सर सो व्हाट डू यू नो अबाउट इरकॉन? टेल अस समथिंग अबाउट इरकॉन व्हिच यू नो. इरकॉन, सर इरकॉन इज ए PSU undertaken by Indian Railway, Ministry of Indian Railway, and they work on construction and infrastructure work, like construction of highway, railway, buildings, not only nationally, but it also work on international level also, sir. Yes, sir. Okay, so And have you seen our वेबसाइट ऑफ इरकॉन? यस सर, आपने कोई प्रोजेक्ट्स देखे उसमें विच आर ऑफ यस सर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग? देखा हूँ सर। सर जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर पे एक सर ब्रिज बनी हुई है, जो आप सोनपुर दीघा ब्रिज है सर। वो अपने आप में सर एक मतलब माइलस्टोन कह सकते हैं कि मतलब कैसे अच्छे मतलब कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका। वो 4.5 किलोमीटर की ब्रिज है सर, 36 स्पैन, नंबर ऑफ स्पैन है सर उसमें, और बहुत ओके ब्यूटीफुल है सर। और वो रेलवे कम ट्रांसपोर्टेशन फॉर नॉर्मल, वो कंबाइंड ब्रिज है सर ये। और ओके अगर पटना से हट के बोले तो लाइक इफ यू गो टू जम्मू कश्मीर, दे हैव कंस्ट्रक्शन 11.5 किलोमीटर बनिहाल एंड बारामूला टनल फॉर रेलवे, एंड सर हाईवे, सर हाईवे में अगर देखे तो सर ये इरकॉन सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड, बिहार एंड मैनी अदर स्टेट, दे आर वर्किंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड रोडवेज। एंड इफ यू गो फॉर एयरपोर्ट, दे आर कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट, एयर इंडिया हैंगर एट सेंटा क्रूज मुंबई सर। ओके आप इरकॉन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर, कौन है मिनिस्टर ऑफ रेलवे इस टाइम पे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर अश्विनी वैष्णव सर। अच्छा, इरकॉन की कुछ अचीवमेंट्स बता सकते हैं? सर इरकॉन की अचीवमेंट सर, सर मेरे हिसाब से अगर एज ए इरकॉन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और वो मतलब अगर हार्ड इन्वायरमेंट एंड टेरेन में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो एक तरह का अचीवमेंट ही कह सकते हैं। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर में देखूँ तो वो फुली माउंटेन एरिया है, और वहां पे सर वो टनल बनाना, बनिहाल एंड बारामूला का कनेक्ट करना 4.5 किलोमीटर का, ये अपने आप में सर एक अचीवमेंट है। और अगर मैं अपने तरफ देखूँ तो अगर सर पटना टू सोनपुर सर गंगा रिवर है, उसको कनेक्ट करना 4.5 किलोमीटर, ये भी सर अपने आप में सर अचीवमेंट ही है। और अगर सर इंटरनेशनली देखे तो अभी सर रक्सौल से लेके रक्सौल और वीरगंज जो नेपाल में आता है सर, उसे कनेक्ट किया जा रहा है रेलवे के थ्रू, वो भी इरकॉन। मलेशिया में सर मलेशिया प्रोजेक्ट ऑफ रेलवे, या एंड सर सिंगा ये श्रीलंका रेलवे सर कंस्ट्रक्शन सर, ये सब मतलब इरकॉन के मतलब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अच्छा, आपको क्यों लगता है आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू ज्वाइन इरकॉन? सर अपॉर्चुनिटी सर, एक तो सर मैंने ये एग्जाम दिया था, और अगर अपॉर्चुनिटी सर यहाँ पे सर मतलब सर ये जो मतलब ये एडवर्टाइजमेंट था, इसमें सर हमें सिविल इंजीनियरिंग मांग रहा था, और सिविल इंजीनियरिंग के साथ सर मैंने एमटेक इन एनवायरमेंट भी किया है। तो मुझे लगता है सर कि आज के टाइम पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब इफ यू आर एबल टू थिंक हाउ इट कैन बी एक्सेप्टेबल टू एनवायरमेंट विदाउट हार्मिंग इट, तो वो सर मुझको लगता है कि मैं उसमें अच्छा कर सकूंगा। अगर रोड कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है तो वो कैसे हम उसको रोड कंस्ट्रक्ट करें, ये करें कि बिना एनवायरमेंट के हार्म पहुंचाए हुए, बहुत सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है सर, इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। तो ये सर मुझको लगता है कि मेरा प्लस पॉइंट होगा अगर मैं सर अपना कुछ इसमें अपना इफेक्ट करूं, क्योंकि तो सर जैसे रांची स्मार्ट सिटी में भी मुझे मौका मिला था 6 महीने का इंटर्नशिप का, तो वहां पे भी सर वहां पे भी जैसे IIIT रांची बना, वहां पे भी सर हमें बहुत सारा उनके थ्रू जो इम्पैक्ट असेसमेंट था वो रीड करने का मौका मिला, कि कैसे मतलब हम
अपने हर एक चीज को, पैरामीटर को बताते हैं कि ये हमारे एनवायरमेंट को कैसे हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हार्म कर रहा है तो उसे हम कैसे माइटिगेट कर सकते, कैसे उसको रोके, कैसे कंट्रोल कर सकते, ये सब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप बिल्ड नेचर, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो रहा है, अगर वो नेचुरल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, तो सर वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है एज ए नेशनली। और ये सर इरकॉन हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है। और हमें पता है सर कि इन्वायरमेंटल असिस्टमेंट सर इंटरनेशनली बहुत मायने रखता है सर। अगर मेरे पास सर एज ए सिविल इंजीनियर आई ऑल्सो नॉलेज एंड अगर और मेरे पास इन्वायरमेंट का कुछ नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट करेगा सर यहाँ पर। ओके, लेट मी अक्षय गिव यू द फीडबैक ऑफ योर दिस पार्ट नाउ। अक्षय, एक तो आपकी फीडबैक ये कि आप क्वेश्चन का बहुत लंबा स्ट्रेच कर दे रहे हो आंसर, जितना वो चाहता है उससे कहीं ज्यादा। ओके सर, जैसे मैंने पूछा कि वाई एनवायरमेंट में एमटेक का कैसे बेनिफिट होगा, तो जो आपने आंसर दिया ना वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा दे दिया। वो इतना वेट नहीं करते हैं उतना ना, तो आप टू द पॉइंट रखो, थोड़ा कंसाइज करो, लेंथ कम करो आंसर की। मतलब आप बहुत ओके लंबा खींच रहे हैं। दूसरा, आपका हैंड मूवमेंट एक ही हाथ चला रहे थे आप, वो नहीं करना। सिस्टमेटिक आपके दोनों हैंड का मूवमेंट ऐसे होना चाहिए कि दो सिस्टमेटिक हो, एक ही हैंड सर, मूवमेंट नहीं करना आपको, राइट? तीसरा, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इरकॉन और इनकॉन का नॉलेज, उसको ढंग से रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, राइट? यस सर, तो ये आपका मेरा कॉमन फीडबैक है। बाकी देहरादून से है तो देहरादून के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। एज अ साइट इंजीनियर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या सीखा आपने, क्यों अब इसको आपने छोड़ दिया, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इरकॉन, इरकॉन के बारे में थोड़ा सा बता दो। और जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इंटरव्यू में होता क्या है कि जो आप बोलते हो वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तो बड़े ओके ध्यान सर, से आंसर करना कि जो आप बोलोगे वहां से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फिर। तो अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करना पड़ेगा इस चीज को, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके तब आप आंसर करो उसका, राइट? ओके सर, जैसे आपने कोई आंसर किया तो वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अगर उसमें आ गया, तो उसमें से पूछेगा कि बताओ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है तो कौन सा लॉ के अंडर आता है। तो अकॉर्डिंगली वो आपने आंसर ठीक किया, बट आगे आगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं। जो भी आंसर करो सोच के करना, और जब बहुत ज्यादा आंसर लंबा कर रहे हैं आप, तो वो फियर होता है फिर कि आप कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नहीं आएगा फिर। ओके सर, मतलब तो टू द पॉइंट पॉइंट रखना। पे बोलना है सर। बहुत लंबा भी नहीं करना, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना आंसर करना आपने, राइट? यस सर, हाँ, बाकी ठीक है, प्रैक्टिस करो और एंड